बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जगह या वो ज़मीन जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो और लूज़ कंडीशन में हो या उसकी क्ले साइल हो, क्ले साइल भी जो प्लास्टिक क्ले हो, वहाँ पे अगर डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ बेहतर ये होता है कि ज़मीन की जो साइल बेयरिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, जिसको हम साइल इम्प्रूवमेंट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इस जगह के ऊपर यहाँ पे साइल की बेयरिंग कैपेसिटी जो थी वो 0.6 टन पर स्क्वायर फीट थी। तो उसको साइल की बेयरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहले ज़मीन की जो नेचुरल सरफेस है उससे खुदाई 6 फुट नीचे खुदाई करके और फिर उसकी प्रॉपर कंपैक्शन क्लियर करने के बाद फिर उसके ऊपर 1 फुट सैंड जो है वो लेयर डाली गई है। अगर मैं जूम करके दिखा सकूँ, ये सैंड है। तो 1 फुट सैंड फिलिंग है, उसके प्रॉपर कंपैक्शन क्लियर करने के बाद फिर उसके ऊपर अब 1 फुट जो है क्रश्ड स्टोन बैलस जो है वो ले किया जाएगा। इस तरह जो ये टेक्निक इस्तेमाल करने से या साइल की बेयरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने से जो साइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो 0.6 से 0.9 टन्स पर स्क्वायर फीट पर चली गई है। तो ये इकोनॉमिकल मेथड है और सेफ़ मेथड है, जहाँ हम जो बिल्डिंग का लोड है वो जो साइल है वो सेफली बियर कर सकती है, और इस केस में हम जो साइल की बेयरिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।